सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना बनाई ताकि बीपीएल परिवारों को सस्ते दामों पर राशन मिल सके, परंतु संत कबीरनगर जिला के मैलानी गांव में लगभग 3 महीने से राशन न मिलने के कारण रिंकू देवी सहित 300 लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माधुरी और ये मेरा समुदाय। हमारे गांव में यही समस्या है कि हम समय से राशन नहीं मिलता है, मट्टी तेल नहीं मिलता है, दूध तीन महीना हो जाता है नहीं मिलता है। रिश्तेदार के पास जाए थे लेकिन वो हर महीना नहीं राशन दे रहा है। क्या कहता है? वो तो हमेशा 2-3 महीना पर राशन देता है लेकिन वो लिस्ट पे जब राशन कार्ड हम लोग जाते हैं तो सिर्फ चढ़ा देता है। कितना राशन देता है? 23 किलो राशन मिलता है, चावल 23 किलो, 8 किलो गेहूँ। कितने लोग हैं आपके गांव में? 300। राशन नहीं मिला क्या क्या दिक्कत हो रहा? राशन नहीं मिलता है तो लड़के भूखा रहते हैं, नहीं खाना पाते हैं टाइम से, तेल भी नहीं मिलता है, हम लोग अंधारे में रहते हैं। क्यों, आप लोग के वहाँ लाइट नहीं है क्या? नहीं, हमारे लाइट नहीं है हमारे गांव में। राशन मिलने लगेगा तो क्या फायदा होगा आप लोग का? हम लोग को ये फायदा होगा कि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ पैसा बचेगा। हमारे गांव में समस्या ये है, महीना पे राशन नहीं मिला, न महीना तेल मिला, दो तीन महीना हो जाला राशन का, 2-3 महीना तेल दे लें, बच्चे खाए बिना भूखा, आपको इसका खेत ना आएगा, खेले बिना लेके मर लें। यह चाहते हैं कि हमन के राशन महीना मिले, तेल महीना मिले, और बच्चे खा जिए, आराम से पढ़े जाएं, सब सुखी रहे। अगर राशन मिले लगे तो क्या फायदा होगा? फायदा यह हुआ जब राशन मिले लगी महीना तो बच्चे खाइए, आदमी कमाइए, 4 पैसा बची, कौनो घाटे लगे। आप लोग बात किए थे कभी जाके? मांगल राशन कहना हे देव हो देव, हे महीना उठाए वो महीना उठाए तब देव, और उठा कर राशन बिले कह देना, बेच देना। मैं चाहती हूँ कि इन परिवारों को जल्द से जल्द राशन मिलने लगे ताकि इनकी समस्याएं दूर हो सके। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी ये अपील है कि संत कबीरनगर जिला के वीडियो का नंबर 9451472566 पर कॉल कर हमारी मदद करें। मैं माधुरी चौहान, खैलाबाद जिला संत कबीरनगर, इंडिया अनहद के लिए।